हिमाचल में 9 नवंबर को वोट डाले जाने वाले हैं तो चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। जहां एक तरफ कांग्रेस राज्य में वापस सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि बीजेपी हिमाचल की 68 में से 60 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। एक बार धूमल जी चीफ मिनिस्टर बन जाए, और मैं एरोगेंस से नहीं कह रहा हूँ, लगभग अनुमान दिख रहा है सब जगह कि परिवर्तन की लहर से लगभग जहां भी मैं रिपोर्ट्स दे रहा हूँ, खुद गया जहां सर्वेस जो जो अभी तक आ रहे, आजकल आचार संहिता के कारण बाहर नहीं आ सकते हैं, पर हम तो अपना रेगुलरली कराते रहते हैं फॉर आवर ओन इंटरनल प्लानिंग पर्पसेस। तो मेरा तो पर्सनली फीलिंग है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जिसका अभूतपूर्व रिजल्ट आया था, 80% सीट भाजपा को मिली, और मुझे ख्याल है आप सबको ध्यान होगा 14 के चुनाव के पहले भाजपा और हमारे अन्य सहयोगी दलों की मात्र 6 सरकारें थी, आज के दिन 18 है, 3 ही साल हुए, 3.5 साल, 6 की 18 हो गई है, ये 19वीं होने की संभावना दिखती है। और जो अनुमान लग रहा है, और जिसका एक सीधा प्रमाण यह है कि कोई नेता कैंपेन करने भी नहीं आने को तैयार है कांग्रेस का, तो मुझे तो अनुमान लगता है कि ये ऑलमोस्ट 59-60 सीट्स तक एक तरफा जाने का चुनाव देख रहे हैं। ऑफकोर्स कोई कॉम्प्लेसेंट मत हो जाना, सब जाके वोट करना, भाई भतीजे रिश्तेदारों को भी निकाल लेना 9 तारीख को, ऐसा नहीं हो जाए कि तो अभी 60 सीट आ रही है तो हम छुट्टी मनाते हैं। अब पीयूष गोयल का दावा कितना सही होता है, इसका पता तो 18 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पीयूष गोयल के बाद ये तय है कि बीजेपी को हिमाचल में जीत का पूरा भरोसा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।